हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कहाँ तक आए थे बच्चों हम लोग? हम लोग आए थे सर पेज नंबर 312। 313 से अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, अपनी मॉड्यूल ओपन करो। सर, हमने अभी तक के कंडीशंस पढ़ी थी कुछ ITC लेने के लिए, करेक्ट है? कौन कौन सी कंडीशंस थी सर, आप याद करा सकते हो? बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ये देखो, ये चार कंडीशन थी। एक तो इनवॉइस रिसीव होना चाहिए, इनवॉइस रिसीव होना चाहिए। किसको रिसीव होना चाहिए सर? ये इनवॉइस रिसिपिएंट को इनवॉइस मिल जाना चाहिए। सही है सर। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, मतलब उसने जिसने हमको सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड किए हैं, उसने उसके ऊपर का जो भी टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करना है, और वो डिपॉजिट करने के बाद में उसको रिटर्न भी फाइल करना है विद इन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट, या जो भी टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट के अंदर आपको रिटर्न भी फाइल करना है। उसके अलावा और कोई कंडीशन थी? हाँ सर, उसके अलावा कंडीशन ये थी कि आपने, मतलब कौन, रिसिपियंट ने भी जो भी पेमेंट हमको करना है वो विद इन 180 डेज पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि इनवॉइस के अंदर कुछ कुछ कंटेंट जो मैंडेटरी कंटेंट है वो होने ही चाहिए, वो भी हमने पढ़े थे, वो भी हमको याद है। उसने इनवॉइस इशू किया है, आपने पेमेंट किया है, उसने पेमेंट के ऊपर का टैक्स भी भरा है और रिटर्न भी फाइल। और अगर 180 डेज के अंदर, अगर 180 डेज के अंदर आप, मतलब रेसिपियंट, अगर पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर को, तो जो भी आपने ITC क्लेम किया है, किसने, रेसिपियंट ने, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो अब ये बोल रहे हैं कि पर जैसे इनका बोलना ये आ रहा है अभी कि सर जैसा सप्लाई सप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है सर, सप्लाई हो गया 1 अप्रैल 2022 को, ये सप्लाई हुआ और रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं दिया। कब तक नहीं दिया सर? 180 डेज। देखो 180 डेज कहाँ आते हैं, 21 अप्रैल से लिखो 180 डेज, लो कैलसी लो, देखो 30 डेज प्लस 31 मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब 27 सितंबर तक के रेसिपियन ने पेमेंट नहीं किया। 27 सितंबर तक के रेसिपियन ने पेमेंट नहीं किया। 180 डेज यहाँ कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब सर, हमने जो पेमेंट है यहाँ तक भी अगर नहीं किया होगा तो क्या, ऐसे सिचुएशन में आपने बोला था सर, एक तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर हम उसको तो बढ़ा देंगे, या तो हम आपका इनपुट उतने से कम कर देंगे। दो चीजें हो सकती है, एक तो आपके आउटपुट में बढ़ा दे, या तो आपके इनपुट को और कम कर दे। तो अब ये क्या बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या की जानी चाहिए और कौन से मंथ में की जानी चाहिए, ये बता रहे हैं ये लोग। ध्यान से पढ़ो, चला आ जाओ। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ ITC ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बट फेल टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेकेंड प्रोविजन टू सबसेक्शन टू ऑफ सेक्शन 16 शुड फर्निश, यहां से ध्यान से, शुड फर्निश, शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई, द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड एंड द अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड और प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर इन फॉर्म GSTR 2 फॉर द मंथ इमीजिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन। समझा क्या बोलना चाहते, मतलब ये सबके अंदर कौन सी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इसको इन्होंने और भी अच्छे से ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि इट मीन्स इफ 180 डेज एक्सपायर्स ऑन 15 दिसंबर, मतलब अपने केस में कब हो रहे थे, 27 सितंबर, ठीक है, तो द डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इन GSTR 2 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018, मतलब जो भी इसका फॉलोइंग मंथ होगा, फॉलोइंग मंथ कौन सा होगा, 27 सितंबर का, बट ऑब्वियसली सर अक्टूबर मंथ होगा, मतलब आपको 20 अक्टूबर तक के आपको ये डिटेल बतानी पड़ेगी कि सर हमने जो ITC अवेल किया था उसका पेमेंट अभी तक के हमने नहीं किया है, तो हम वो रिवर्स करना चाहते हैं। ये कब तक के आपको बताना है, अक्टूबर मंथ में, मतलब जो मंथ के अंदर, जो मंथ के अंदर आपने
जो मंथ के अंदर आपने मतलब वो डेट वो डेज कंप्लीट होते हैं उसके फॉलोइंग मंथ के अंदर आपको ये डिटेल बतानी है इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यस सर। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन। अरे बाप रे, ये सबसे मतलब आपको बताओगे ये बहुत 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 अच्छी चीज है अगर आप समझ जाओ। चार मार्क करना इसके ऊपर आपको मेरे हिसाब से एमसीक्यू आना चाहिए क्योंकि कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल पॉइंट है ये। सर ये सब बातें छोड़ दो, अभी मैं उड़ाता हूँ यहाँ से। चलो आज सर अभी आपने बोला कि हम रिवर्सल कर देंगे अगर 180 डेज के अंदर में पेमेंट हुआ, ये बात हमने बोली थी। तो सर मुझे एक बात बताना, शेड्यूल वन याद आ रहा है आपको? सर ये क्या होता है, सुना सुना सा है, सुना सुना सा। तू फटके बोलो जल्दी से शेड्यूल वन क्या होता है। सर शेड्यूल वन हमको जब तक याद आ रहा है विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ सप्लाई, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कुछ सप्लाई आते हैं जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी अगर सप्लाई हुआ है तो उसको हम डीम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, ऐसे क्या क्या है सर शेड्यूल वन में आने वाले, अगर आप याद करो तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। चलो फास्ट, मेरे को जल्दी याद आना चाहिए और आप इस पे से ही तो समझ में आता है कि आपको कितना याद आ रहा है, आप कितना पढ़ रहे हो। यस, फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, यस, हेयर आईटीसी हैज बीन फेल्ड। हाँ सर ये एक था, हाँ हमको याद आ रहा है सर। दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या था, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन को अगर सप्लाई मानता है, वो सप्लाई किया जाता है और वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। एक बोले थे कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल, मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस असेट परमानेंटली ट्रांसफर करते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन फिर भी उसको हम डीम सप्लाई मान लेंगे। सेकेंड हमने बोला था कि किसी डीम डिस्टिंक पर्सन को, किसी रिलेटेड पर्सन को अगर आप कोई गुड्स कोई सर्विस सप्लाई करते हो और वो विदाउट कंसिडरेशन भी की जाए तो भी उसको हम सप्लाई मान लेंगे। थर्ड पॉइंट हमने बोला था प्रिंसिपल एजेंट, जहां पे प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कोई सप्लाई किया है वो भले ही विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो हम उसको क्या मान लेंगे, बोलो बच्चों उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। और फोर्थ पॉइंट हमने बोला था क्या, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, ये अभी आप पढ़ाने का रीजन क्या है, अभी अभी इसका क्या मतलब सेंस क्या बनता है सर? अभी हम आईटीसी पढ़ रहे हैं, ये सप्लाई की बात है, सप्लाई अलग है आईटीसी अलग है। सप्लाई मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है सर, और आईटीसी इनपुट टैक्स लाइबिलिटी है सर, फिर वो दोनों को अभी अभी क्यों पढ़ना है हमको? बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको रीजन क्या है। अभी 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 हमने ये बात की थी कि अगर हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई नहीं करते, चलो एक सप्लायर है एग्जांपल के साथ ले, एक एक, एक सप्लायर है जिसने ट्रांसफर की है उसकी बिजनेस असेट, वो भी परमानेंटली, जिसके ऊपर का आईटीसी उसने खुद ने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने जो बिजनेस असेट ट्रांसफर की है ये विदाउट कंसीडरेशन की है, विदाउट कंसीडरेशन
ही है। किसको की है सर? ये ए है सप्लायर और बी रेसिपिएंट। ठीक है, हाँ सर याद रख के बात में कोई दिक्कत नहीं, हमको सब समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सुनो, परमानेंटली मैंने किसी बी को वो रेसिपिएंट है उसको बिजनेस असेट ट्रांसफर कर ली जिसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। क्या कर लिया? आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है सर, आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, अब बात बताओ क्या। देखो बच्चों, मैंने जब बी को कोई गुड्स या सर्विस या कोई असेट ट्रांसफर की, मेरी बिजनेस असेट मैंने ट्रांसफर कर दी, जैसे कोई फिक्स असेट मैंने परमानेंटली ट्रांसफर कर जिसके ऊपर मैंने आईटीसी ले लिया, तो इसको आप डीम सप्लाई मानते हो फर्स्ट थिंग, बराबर है? इसको आप डीम सप्लाई मानते हो, यहां तक की बात पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, शेड्यूल वन के हिसाब से हम इसको डीम सप्लाई मान लेंगे, यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर रेसिपिएंट के लिए हमने कंडीशन ये डाली थी कि भैया इफ यू वॉन्ट टू क्लेम आईटीसी देन we need to pay within 180 days for such supply। अरे भैया हमने अभी 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 आपसे बात की थी कि अगर बी आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको जो पेमेंट करना है वो 180 डेज के अंदर करना है। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ये बंदे ने मिस्टर ए ने मुझे परमानेंटली उसकी बिजनेस से ट्रांसफर कर दी, उसका सप्लाई मान लिया गया और मुझे आप बोल रहे हो कि आप पेमेंट करो, हालांकि उसने विदाउट कंसिडरेशन दिया था ना, मुझे पैसे की बात ही नहीं थी हमारी कोई। अब सर आप बोलोगे कि हमको आईटीसी नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। अगर मुझे आप आईटीसी नहीं दोगे तो गलत हो गया ना भाई, रेसिपिएंट की तो ये नाराज हो गए ये लोग, ये गए गवर्नमेंट के पास, बोले ये क्या लगा के रखा है आपने, मतलब इसके ऊपर तो आप सप्लाई लगा दे रहे, ये मुझको जीएसटी लगा के दे रहा है इनवॉइस, ठीक है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि आप आईटीसी मत लो क्योंकि आपने पेमेंट नहीं दिया इसलिए। अरे वाह, ये क्या बलती बात हो गई है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या, तो उन्होंने ये बोला इन केस ये विदाउट कंसिडरेशन में आने वाली, मतलब शेड्यूल वन की अगर कोई भी कंडीशन है, कौन सी? शेड्यूल वन के अंदर फॉलो होने वाली कोई भी कंडीशन है तो उसके अंदर आईटीसी भले ही ना जाए, क्या उसके अंदर आईटीसी सॉरी उसके अंदर पेमेंट अगर ना जाए, मतलब ये रेसिपिएंट अगर पेमेंट ना भी करे तो भी हम ये मान लेंगे कि वो पेमेंट है, मतलब हम उसको डीम पेमेंट मान लेंगे। क्यों डीम पेमेंट मान लेंगे? क्योंकि इसको आईटीसी देना है। गवर्नमेंट बोलती है रेसिपिएंट के साथ में हम ना इंसाफी नहीं करेंगे, हम रेसिपिएंट को इस केस में जहां पे शेड्यूल वन अप्लाई होता है वहां आईटीसी। समझ में आई? मतलब देखो बात उन्होंने दो लाइन में बोल दी, अगर आप नॉर्मली पढ़ो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या बोलना चाहते, अब अगर आप पढ़ोगे तो तब समझेंगे आपको क्या बोलना चाहते। Provided that the value of supply made without consideration as specified in Schedule 1 of the said Act shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16। समझा? मतलब 16.2 क्या बोलता था? 16.2 ये बोलता था कि जब तक के आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर देते हो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इनका बोलना है कि नहीं, सुनो मेरी बात, जहां पे शेड्यूल वन की बात आती है, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन के अंदर सप्लाई मान लिए है हमने, उस केस के अंदर भले ही रिसिपिएंट ने पेमेंट दिया हो चाहे ना दिया हो, हम यही मानेंगे क्या कि वो डीम टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। समझा? यहाँ पे आप ये लिख लो फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, यहाँ लिख लोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्लेमिंग आईटीसी। समझा? इतना इजी है। इट मींस वेयर सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन, देन इन सच केस प्रोविजो टू सब रूल वन टू रूल 37 मेक्स द डीमिंग फिक्शन दैट value against such a supply has deemed to be paid within 180 days from the date of issue of, मतलब हम ऐसे मान लेंगे कि वो 180 days के अंदर ही payment हो चुका। चलो आज notification number 26/2018 dated 13/6/2018 क्या बोल रहा है? Reversal of ITC
इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डीम्ड टू हैव बीन पेड, वही वापिस से उन्होंने वही नोटिफिकेशन बोला. वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(2)(b) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन ऑफ सीजीएसटी 17. ठीक है, हम वो मान लेंगे कि इन्होंने पेमेंट, तो इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा 15(2)(b) के से किया जाएगा. चलो आज द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज बीन इश्यूड हैज बीन इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26 जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16. This provision has been inserted to so that any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply, but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both, shall be deemed to have been paid, and no reversal of ITC on such amount is required to be made in case recipient failed to pay to the supplier the amount towards to the value of supply doing with tax payable thereon within a period of 1 year from the date of. सब सिंपल चीज ये यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि हम ये मान लेंगे कि आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया. अगर आप ये नहीं भी पढ़ो तो आपको ये समझ में, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ऊपर ही समझा दिया. नाउ द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज बीन इंसर्टेड प्रोवाइडेड दैट इफ द सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स बट कंटेन द डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज description of the goods or services, total value of supply of goods or services on both GSTIN of the both supplier, recipient and place of supply, in case of interstate supply ITC may be availed by such a, मतलब आपने बाकी की जो conditions थी वो अगर fulfill कर ली तो हम मान लेंगे कि आपको ITC दे दिया जाएगा. Even if all specified particulars stipulated by invoice rules is not satisfied, yet the invoice contain the amount of tax charge, description of supply, total value of supply, GSTIN of supplier and recipient, place of supply in case of interstate supply, then ITC can be availed by the registered taxpayer. This is very important amendment. Since ITC cannot be denied due to certain clerical mistake the invoice by the, मतलब उनका बोलना है कि अगर 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 आपने इनवॉइस के अंदर हमने ये जो पांच छह चीजें बोली थी ये अगर प्रॉपरली पुटअप की है और उसके अलावा आपके इनवॉइस में और कोई भी गलती है तो हम वो गलती को छोड़ देंगे, हम उस गलती के ऊपर नजरअंदाज कर देंगे और हम ये मान लेंगे कि आपको ITC मिलना ही चाहिए, लेकिन कौन कौन सी चीजें आपने स्टिप्यूलेटेड, मतलब कौन कौन सी चीजों को आपने फुलफिल करना है उसके अंदर क्या क्या है, मैंने आपको बोला टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, GSTIN दोनों का भी, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, बात खत्म. ठीक है सर, आओ चलो आ जाओ एग्जांपल लेते हैं हम. मिसेस ए लिमिटेड ऑफ अलुवा केरला रिसीव द इनपुट सर्विसेज फ्रॉम मिसेस बी लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु हु रेजेस द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस 17th December 2022 एंड अवेल द क्रेडिट ऑन. Find the time limit within which Mrs. A Limited is required to pay the bill amount inclusive of tax to supplier of services. Also explain the consequences if payment is not made within the stipulated time period. As mentioned in second provision to section 16(2) of CGST Act 2017. Recredit is allowed if the payment is made to the supplier of service after expiry of time period. Second provision to. हाँ सर, इन्होंने आपने जैसा बोला था कि एक तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना होगा, 17 दिसंबर से 180 डेज कहाँ कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में ये देखो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके दिया, अगर 17 दिसंबर तो आप छोड़ोगे वो डेट तो छोड़ दो, 18 दिसंबर से 15 जून तक के 180 डेज हो रहे, मतलब 15 जून तक आपको पेमेंट कर देना है. अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका ITC क्या गया हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा. द इन केस मैसेस ए लिमिटेड डज नॉट पे द पे बाय 15th जून द क्रेडिट अवेल्ड बाय इट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट लायबिलिटी. सुना, देखा, समझा है, सही है. हाँ, द अमाउंट विल बी एडेड टू देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद द इंट. समझो कही तने. हाउ, समझ गया. अब मुझे एक बात बताओ इसके अंदर कि इन्होंने ये एक और क्वेश्चन बोला था कि क्या ये रिक्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा अगर आपने बाद में पेमेंट कर दिया तो. बिल्कुल सर, जिस दिन आप पेमेंट कर दोगे उसको उस दिन आपको अलाउ कर देंगे.
The third provision to section 16(2) of CGST Act 2017 provide that the amounts or rewards can again taken as a credit when the payment for the receipt of the goods or services has been made to the supplier of goods. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर अगर 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया उस दिन आपको फिर से आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बच्चों इसके अंदर का बताता हूँ। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि अगर 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट नहीं किया तो जिस दिन आप रिवर्सल करते हो ना उस दिन, मतलब उस दिन आपको इंटरेस्ट भी पे करना, इंटरेस्ट पे करना। क्यों क्यों सर इंटरेस्ट क्यों? अरे बाबा हमने बोला था कि आपको आईटीसी नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपने आईटीसी ले लिया और आपने 180 डेज तक के एंजॉय किए वो पैसे, तो सर ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेन मतलब फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है आपको कि आपको इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आएंगी। और सर ये इंटरेस्ट क्या रेट से रहता है? ये 18% पर एनम का इंटरेस्ट, 18% एज पर रूल 37 सबसेक्शन 4। नॉर्मली हमारे जीएसटी के अंदर आप कहीं पे भी देख लो 18% ही जीएसटी का रेट है उस, मतलब ऑलमोस्ट जगह पे 18% का ही जीएसटी, मतलब इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट जीएसटी नहीं इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ, इंटरेस्टेड ऑलमोस्ट जगह पे आपका 18% ही रहेगा। डन सर। एज पर रूल 37 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी रूल्स 2017, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 शुड नॉट अप्लाई टू अ क्लेम फॉर री अवेलिंग ऑफ एनी क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द और प्रोविजन ऑफ दिस दैट हैड। क्या बोल रही है समझा सर? कोई समझा पाएगा ये 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 लाइंस क्या बोल रही है? अच्छे से पढ़ो एक बार और बताऊं। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जैसा हमने बोला था कि आपको 180 डेज के अंदर अंदर या आपने ये, और एक कंडीशन आपको आगे आएगी कि अगर वो तो ठीक है वो इनवॉइस की कंडीशन, यहाँ पे इनका ये बोलना है सिंपली कि आप जिस दिन भी क्लेम कर लोगे आईटीसी, मतलब कैसे क्लेम कर लोगे, अभी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया फर्स्ट डे, फिर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हमने ऐड कर दिया। अब जिस दिन भी फिर वो टाइम लिमिट नहीं है कोई भी, जिंदगी में जब भी आप उसको पेमेंट करोगे, जब भी कभी आप उसको पेमेंट करोगे उस दिन हम आपको आईटीसी दे देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको 5 साल हो गए आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। हाँ हाँ, आप जिस दिन पेमेंट कर दोगे उस दिन आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, उसके कोई टाइम लिमिट नहीं। समझा बच्चों? चलो एग्जांपल नंबर 9 लो, पढ़ो जल्दी जल्दी। चलो बोला 9, 10, 11, 12, 13 सारे एग्जांपल ये अभी पढ़ने अपने को। चलो पढ़ो फास्ट में पढ़ो। क्योंकि अब मैंने जितना समझाना था समझा दिया, अब एग्जांपल पढ़ना आपका काम है। हाँ आपको नहीं समझता है तो आपने पूछना। चलो पढ़ लेते हैं आपके साथ। Business X Limited has establishment in Chennai and establishment in Hyderabad. मतलब उसकी ऐसा समझो दो ब्रांचेस, एक चेन्नई में है एक हैदराबाद में है। Supply of goods that is at the rate open market value of rupees 5 lakh रुपए made by Business X Chennai to Hyderabad. ओह हो हो क्या बात है। बोलो ये कौन सा है related person? Rule कौन सा apply होगा valuation का? सर यार 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 आप ऐसे मत किया करो सर, हम कुछ भी आप बीच में कुछ भी लेके आ जाते हो, वो वैल्यूएशन के रूल अभी यहाँ कहाँ से आ गए? कैसे यहाँ कहाँ से आ गए? आपको जीएसटी में पूरा एक साथ नहीं आने वाला है तो आपको सब याद रखना है। बताओ वैल्यूएशन का रूल कौन सा अप्लाई करेंगे हम? 27 सर विदाउट कंसिडरेशन वाला, मतलब या नहीं आधा 50% कंसिडरेशन होगा या काइंड में होगा कुछ, तो 27 रूल वो है। सर रूल 28 है, हाँ सर रूल 28 है रिलेटेड पर्सन का, करेक्ट। हाँ रूल 28 क्या बोलता है सर? देखो सर रूल 28 बोलता है सबसे फर्स्ट लो आप ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है तो लाइक काइंड क्वालिटी नहीं मिलती है तो रूल 30-31। और सर उसके अंदर दो प्रोविजो भी थी, दो प्रोविजो क्या थी सर? एक प्रोविजो थी कि अगर किसी पर्सन ने आगे ट्रांसफर किया है, सप्लाई किया है
वो जो सप्लाई किया है उसका 90% मतलब किसी रिलेटेड पर्सन से मैंने गुड्स लिया और आगे फर्दर सप्लाई किया, तो जो फर्दर सप्लाई किया होगा उसका 90% सामने मतलब जो रिलेटेड पर्सन ने मुझे गुड्स दिया उसकी मतलब वो वैल्यू मान ली जाएंगी। मतलब समझा नहीं सर आप क्या बोल रहे, कुछ भी नहीं समझ में। देखो बच्चों मैंने आपको बोला था किसी रिलेटेड पर्सन बात, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा डर रहता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो आम लेंथ प्राइस पे नहीं किया है और उस वैल्यू के अंदर कुछ तो गफला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो आप वैल्यूएशन के रूल्स लगाओ। कौन से रूल लगाओ, आपको बोला था रूल नंबर 28 लगाना। क्या बोलता है रूल नंबर 28, सबसे पहले वो बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, लाइक काइंड क्वालिटी, अगर वो नहीं पॉसिबल तो लाइक काइंड क्वालिटी वाला कोई ले लो, लाइक काइंड क्वालिटी भी नहीं मिलता है तो रूल 30 और 31 अप्लाई करना। रूल 30 क्या बोलता है सर, रूल 30 बोलता है कि जो भी आपने परचेसिंग वैल्यू है उसका 110% ले लो, और रूल 31 बोलता है बजाओ बजाओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगाओ। ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके अंदर इन्होंने और दो प्रोविजो दी थी सर हमको, क्या दो प्रोविजो थी, एक प्रोविजो थी कि अगर आपने मतलब ए ने बी को, ए और बी रिलेटेड पर्सन है, ए ने बी को कोई गुड्स दिया और बी ने आगे सी को ट्रांसफर किया, तो ये दोनों की वैल्यू कैसे निकाले, तो ये सी ने बी को जो वैल्यू दी उसकी 90% वैल्यू ये वैल्यू मान ली जाएगी, उसकी 90% ये वैल्यू मान ली जाएगी। ये बोलता है फर्स्ट प्रोविजो। और सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है, सेकंड प्रोविजो ये बोलता है कि सर अगर 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 ए और बी रिलेटेड पर्सन है, ए ने बी को कोई गुड सप्लाई किए और बी बी ने बी भी रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने अगर कोई भी वैल्यू पे मतलब ए ने बी को किसी भी वैल्यू पे, अगर ये 1 लाख रुपीज की चीज थी, ये 1 लाख रुपीज के गुड्स थे, लेकिन उसने 10 रुपीज में ही ट्रांसफर कर दिए, तो भी हम इसकी वैल्यू 10 रुपीज ही मानेंगे। अगर 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 मिस्टर बी आईटीसी जो है उसके ऊपर का सिर्फ 10 रुपीज पे क्लेम करता है। सर समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते, देखो मैंने ये वैल्यूएशन रूल के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी आपको यहाँ पे रिवाइज करके दे रहा हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स ट्रांसफर किए, मैं और मिस्टर बी जो भी है हम दोनों रिलेटेड पर्सन में आते हैं, मैंने उसको गुड्स ट्रांसफर किए जिसकी कंसिडरेशन लो कंसिडरेशन थी, मतलब 1 लाख रुपीज का मैंने सिर्फ 10 रुपीज पे ट्रांसफर कर दिया, बट मैंने जितने में ट्रांसफर किया वो पर्सन ने भी उतना ही आईटीसी अगर क्लेम किया होगा, मतलब सर सवाल ही नहीं आता, मैं अगर 10 रुपीज पे जीएसटी चार्ज करके देता हूँ तो सामने वाला भी जीएसटी कितने पे क्लेम करेगा, सिर्फ 10 रुपीज पे, पर अगर वो 10 रुपीज पे ही क्लेम करता है तो फिर लॉस कहाँ हुआ, गवर्नमेंट का लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि फिर ये आगे अगर 1 लाख रुपीज में भी सेल करता है तो ये यहाँ पे जीएसटी देगा 1 लाख रुपीज पे का, बट ये आईटीसी कितने का क्लेम कर पाएगा, सिर्फ 10 रुपीज का ही। ये भले ही 1 लाख रुपीज पे समझो 18,000 रुपीज जीएसटी आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 18,000 जीएसटी आ रहा होगा, फिर भी ये क्लेम कितना कर पाएगा सर, 10 रुपीज पे जितना लग के आया मतलब कितना लग के आया होगा सर, 1.8 रुपीज जस्ट ओनली, ओके नो इश्यू एट ऑल, मतलब हम आपको आईटीसी तो इतना ही अलाउ करेंगे, बाकी का डिफरेंस तो जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा ही ना, है कि नहीं बच्चों। तो ये बात हो गई, चलो आ जाओ कहां से कहां निकले थे सर हम, कहां पहुंच गए, ठीक है ना, यही तो चीजें होती है कि आपको कैसे हम रिवाइज करें, और ये चीजें अपने ही क्लास में होंगी और कहीं नहीं होने वाली, क्योंकि आपको मैं हर जगह से लिंक करा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हम किस तरीके से पढ़ने वाले। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर मैंने पढ़ाने के बाद में आप अगर घर पे जाके अच्छी से इज्जत से घर सच में रोज पढ़ते हो ना, तो आपको ये सब्जेक्ट कभी भी ये सब्जेक्ट में कभी कोई डर नहीं लगेगा। इतनी बात क्या बोल रही है, मेसर्स एक्सपेरिमेंटर एस्टैब्लिश इन चेन्नई, अच्छा उसने हाँ डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर किया है, ठीक है, चेन्नई पेड आईजीएसटी ऑफ रुपीज 60,000 अकॉर्डिंगली मेसर्स एक्सपेरिमेंटर हैदराबाद अवेल द आईटीसी क्रेडिट ऑफ 60,000। सर 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 यहाँ पे हमको कोई भी वैल्यूएशन का रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितना आईटीसी दिया है, मतलब ये सेकंड वाली प्रोविजन अप्लाई हो गई सर यहाँ पे, देखो 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 ये वाली प्रोविजन जो आप अभी हमको इतने देर से बता रहे थे, ये बातें सुना रहे थे, अरे सर सवाल ही नहीं आता यहाँ पे, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है सर, मतलब क्योंकि हमने जितना आईटीसी उसको दिया उतना ही उसने क्लेम किया। सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 16(2) ऑफ सीजीएसटी, अच्छा सर यहाँ पे ये बात आपने बता दी, लेकिन अगर आप देखो
और आप गौर से ध्यान दो तो ये जो सप्लाई है ये शेड्यूल वन में कवर होगा। हाँ सर, कैसे? टाइम डिस्टिंग ट्रांसफर की कंसीडरेशन सर बताया नहीं अभी तक कि दिया कि नहीं। रुको रुको देखते हैं। मेड बाय मिसेस एक्स लिमिटेड टू मिसेस एक्स लिमिटेड हैदराबाद, मिसेस एक्स लिमिटेड चेन्नई, पेड IGST, GST का पैसा दिया है। ये 5 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए उसकी बात अभी तक के पता नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने ITC अवेल किया, और वो भी IGST तो गवर्नमेंट को पे किया है सर, उसके अंदर तो मतलब कंसीडरेशन हुआ कि नहीं हुआ ये बात अभी तक के क्लियर नहीं है। चलो आ जाओ। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) ऑफ CGST एक्ट 2017 इज अप्लीकेबल इन द गिवन केस, दैट इज टू रिवर्स द ITC वेयर द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। बताइए क्या करना है सर। इन्होंने ये बोला है कि भाई हमने पेमेंट किया नहीं है, हमारी ब्रांच को हमने गुड्स ट्रांसफर किए, उसको सप्लाई मान लिया, उसके ऊपर का GST पे कर दिया गवर्नमेंट को, सामने वाले ने भी उसके ऊपर का ITC ले लिया। अब बात ये है गवर्नमेंट को GST भर दिया, सामने वाले ने ITC क्लेम कर दिया, बट जो मेरी ब्रांच थी उसने मुझे पेमेंट अभी तक नहीं किया। क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर उसने हमको पेमेंट नहीं किया तो उसका रिवर्सल किया जाना चाहिए ITC 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो? अरे बिल्कुल भी नहीं सर, अभी अभी तो हमने पढ़ा था शेड्यूल वन के अंदर। चलो आओ हम आंसर को देखते हैं क्या बोलते हैं। ऐसे प्रोविजो टू रूल 37(1) ऑफ CGST रूल्स 2017 द वैल्यू, मतलब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है जब भी कभी आप ITC के अंदर हो, ये 4 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। कौन से 4 पॉइंट बच्चों बताओ? 4 पॉइंट आपको याद शेड्यूल वन के, समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब आप रिवर्सल की बात करो तो आपको ये 4 पॉइंट तो हमेशा याद रखना ही है। एज पर प्रोविजो टू रूल 37(1) ऑफ सी, देखो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, 2 मिनट से ब्रेक लगाऊं मैं, अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जितने भी टॉपिक हम पढ़ उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस पुराने जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इस उससे होगा ही होगा। और इसीलिए मेरा जो सिक्वेंस है आपको पढ़ाने का वो सिक्वेंस थोड़ा सा सब लोगों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप जब अभी ये ITC पढ़ रहे हो तो आपको वो सब चीजें कहीं ना कहीं क्लिक हो रही है कि सर हाँ आपने सप्लाई बताया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताया था आपने हमको, ITC बताया हम आपने हमको सप्लाई बताया था, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज। चलो पढ़ो। सॉरी, एज पर प्रोविजो टू रूल 37(1) ऑफ CGST रूल 2007 द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन ऑफ द सेड एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सब रूल सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। हाँ ठीक है। इन द गिवन केस में मीटर हैदराबाद इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC सिंस एज पर द सेक्शन 25(4) ऑफ CGST एक्ट 2017 टू एस्टैब्लिश आर कंसीडर्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अकॉर्डिंगली सप्लाई मेड बाय वन establishment to another establishment will be covered under the schedule 1 without consideration। clear हुई बात? yes sir। अब क्या बोल रहे हैं ये सुनो। depreciation on GST component of the capital goods under income, बहुत बढ़िया चीज है ये भी ध्यान। टैक्सेबल पर्सन शुड नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम। इफ द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज क्लेम ऑन द टैक्स कंपोनेंट बाय कैपिटलाइजिंग विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स द ITC शुड नॉट। क्या बोलना चाहते हैं सर? अरे ये इनकम टैक्स यहाँ कहाँ घुसेड़ दिया, क्या है इसका सेंस? इसका मतलब ये होता है मशीनरी पर्ची आपने जिस पे GST लग के आया 18,000 का, ये मशीनरी गिरी। अब आप आपके बुक्स में इसकी एंट्री कैसे करते हो? ये आपकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मशीनरी परचेज। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक तो सर आप 1 लाख रुपीज की GST 1 लाख रुपीज का क्या करो,
मशीन बता। और इसका डिप्रिसिएशन जो भी मंथ ईयरली बेसिस पे होता है, मतलब कितना हो गया सर, आपको पता है 15% से जीएसटी लगता है सर किसी भी प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी डिप्रिसिएशन लगता है सर किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। कितना होता है सर उसका डिप्रिसिएशन, 15,000 पर मंथ हो गया, मतलब सॉरी फर्स्ट मंथ। देन होता है सर ये 85,000। नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे सर हम, नेक्स्ट ईयर के अंदर ये वापिस से नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट 85,000 रुपीज़, उसके ऊपर और 15% जो भी होगा, और फिर ये जो वैल्यू आएगी वो हम कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। और ये जो डिप्रिसिएशन है ये हम बैलेंस शीट, ये सॉरी ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम यहाँ पे एक्सपेंस बताते हैं कि डिप्रिसिएशन 15,000 रुपीज़। ओके देखो अकाउंट भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसकी भी फीस देना पड़ेगा आपको। चलो आ जाओ यहाँ तक की बात समझ। सर आप ये क्या बोलना चाहते हैं, इसका रीजन क्या है ये बताने के? बात ये है, अब मुझे क्या लगा सर, देखो सिंपल चीज है, मैंने यहाँ पे ये मशीनरी जो है ये 1 लाख की नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे 1,18,000 देना पड़ा ना। कितना देना पड़ा, 1,18,000। मैंने बोला भाई 1,18,000, सवाल ही नहीं आता ना, मैं 1 लाख क्यों बताऊँ, मैं 1,18,000, मुझे तो 18,000 जीएसटी का देना ही पड़ा ना मशीनरी के ऊपर का। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप डिप्रिसिएशन ले लो। किस पे लोगे? बोले डिप्रिसिएशन तो आप 1,18,000 पे लेना। मैं इतना होशियार, मैं गए बोले यार मैंने 18,000 रुपये जीएसटी के दिए, उसका डिप्रिसिएशन क्यों ना लूँ। फिर मैंने बोला देखो 1,18,000, इसका 15% ये होता है 17,700, इतना मैं क्लेम कर लूँ तो फिर ठीक है। 1,18,000 माइनस 17,700, 1,03,000, 1,03,000 सॉरी, हाँ जो भी है। फिर बैलेंस शीट में नेक्स्ट ईयर की, फिर उसमें आया 1,00,300, और फिर मैंने डिप्रिसिएशन, और फिर जो भी डिप्रिसिएशन आया वो वैल्यू लिख ली, खत्म। ऐसा करते गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिफरेंस है ये दोनों के अंदर? सर ऊपर जो था यहाँ डिप्रिसिएशन आपने 15,000 लिया, मतलब आपने ये जीएसटी जो वैल्यू थी उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लिया, पर नीचे जो सीन है वहां पे अपने जीएसटी का भी डिप्रिसिएशन क्लेम किया। ये क्या बात हुई? नॉर्मल टैक्स पेयर में यार देखो मैं को इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपल लैंग्वेज के अंदर दिमाग लगा के सोचो, मैं गवर्नमेंट के पास गया, बोले देखो गवर्नमेंट मुझको कंप्यूटर परचेस करना है। बोले ठीक है कर लो परचेस। बोला सर देखो जीएसटी उस पर लग रहा है, जो भी जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी भी मुझे क्लेम करना पड़ेगा आईटीसी के लिए। ठीक है क्लेम कर लो। अब मैंने होशियारी क्या की, मैंने जीएसटी तो क्लेम कर लिया। कैसा क्लेम किया, मतलब मैंने क्या बोला, देखो मैंने 50,000 रुपीज़ का एक कंप्यूटर परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, उसके ऊपर जीएसटी लग के आया था 18%, 9,000 रुपीज़ का, वो आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया। क्या किया, आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया। अब आईटीसी क्लेम करने के बाद में मैंने होशियारी क्या की, मैंने बोला गवर्नमेंट को देखो आईटीसी मैंने क्लेम कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब सर देखो मुझे तो 59,000 में पड़ा ना वो लैपटॉप, कितने में पड़ा, 59 में पड़ा ना, क्योंकि 50,000 रुपीज़ उसकी, एक और 9,000 रुपीज़ जीएसटी, मतलब 59 में गिरा। तो सर ये 9,000 पे तो आपने मुझे डिप्रिसिएशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना बच्चों, आपको क्या लगता है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो गवर्नमेंट का यहाँ पे ये सजेशन आया कि एक काम करो, बोले आप हमको बेवकूफ तो बनाओ ही नहीं। बोले ऐसे कैसे, देखो बोले कृष्णा सर आप एक तरफ आईटीसी क्लेम कर रहे हो, आईटीसी क्लेम कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो जीएसटी आपको लग के आया 9,000 रुपीज़, वो जीएसटी आपने सेट ऑफ कर लिया, आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए आपने वो सेट ऑफ कर लिया ना। हाँ बोले मैं कर लिया ना। तो बोले सर जब आपने वो सेट ऑफ कर ही लिया तो फिर वापिस से डिप्रिसिएशन कैसे दूँ, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब सर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? अरे बाबा बोले जीएसटी की जो अमाउंट है उस पे नहीं मिलेगा, मशीनरी पे तो मिलेगा ना। हाँ मतलब मशीनरी पे तो डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अरे पापा जीएसटी की जो वैल्यू है उस पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मशीनरी पे तो डिप्रिसिएशन मिल ही जाएगा। बहुत सी बच्चों को इस पे कंफ्यूजन था, मतलब मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी और से पढ़ लो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो सीधा ये बता देता है कि आपको कैपिटल गुड्स लिया, फिर आपको जो भी डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन एक क्लेम कर सकते हो, या तो आप जीएसटी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो।
वो ये बताता ही नहीं है कि आपके मशीनरी के ऊपर का डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो आपको जीएसटी लग के आया उसका डिप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे बात ये हुई कि आपको जो जीएसटी लग के आया, एक तो आप वो जीएसटी का सेट ऑफ लो, और आप अगर जीएसटी का सेट ऑफ नहीं लेना चाहते तो फिर वो जीएसटी का आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो ओवर द ईयर्स। दो ऑप्शन दिए आपको, एक तो आप जीएसटी, सुनो ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, क्या बात बोल रहा हूं मैं, एक तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो जीएसटी वैल्यू के ऊपर, मतलब जो 50,000 के ऊपर जीएसटी लगा है, कितना 9,000 रुपए, उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते जाओ हर साल अगले जितने भी साल तक के वो मशीनरी चलती है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो आप, वो कंप्यूटर चलता है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, एक सीधा सीधा काम करो, जितना भी आईटीसी है वो पहले ही पूरे साल में ले लो, और वो आईटीसी क्लेम करने के बाद में आप क्या करो, क्या करोगे फिर अपने, अगर आईटीसी क्लेम कर लिया तो फिर उसका डेप्रिसिएशन, मतलब किसका, वो जीएसटी की वैल्यू का डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, मशीनरी का तो डेप्रिसिएशन आपको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मिलेगा। मतलब जब तक के उसकी जिंदगी है, कब किसकी, वो मशीनरी की, वो कंप्यूटर की, जब तक जिंदगी चालू है या ब्लॉक में है वो, तब तक के आपको उसका आईटीसी। समझ में आई, अब पढ़ो क्या बोलना चाहते हैं वो। टैक्सेबल पर्सन शुड नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट, ऑन टैक्स कंपोनेंट, इसको स्टार मार्क करो। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आते हैं, और यहाँ पे आपका नॉलेज, आपके कंसेप्ट देखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर समझ। डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज क्लेम ऑन द टैक्स कंपोनेंट by capitalizing with the cost of capital gain, capital goods, input tax credit should not be allowed. मतलब अगर आपने उसको capitalize कर दिया, मतलब आपने machinery के value में GST की भी value add कर दी, और आपने asset में वो GST value के साथ दिखाई होगी, तो आपको उसके ऊपर का ITC जो है वो हम नहीं देने। अब नहीं, अब कोई वादा ही नहीं है, अब तो आप पूछो ना हो सर। देखो अब एग्जांपल पढ़ो, 10, 11, 12, 13 प्लीज पढ़ो। चलो आ जाओ बच्चों। मैं सर, जय लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख ऑन विद जीएसटी एट द रेट 1,80,000, द मैन्युफैक्चरर हैज फॉलोइंग टू ऑप्शंस। क्या ऑप्शन है? क्लेम डेप्रिसिएशन वैल्यू of GST by foregoing IT goods, या तो claim depreciation on the cost of and bill the ITC of GST portion। है दो है, एक option आपके पास, तो ITC छोड़ दो या तो ITC पकड़ लो। ITC छोड़ दोगे तो depreciation मिल जाएगा, और ITC पकड़ लोगे तो depreciation नहीं मिलेगा। किस पे? सिर्फ GST के value की बात। time limit to avail ITC, time limit for availing credit by registered taxable person time in the following filing of return for the month of। अब बात है ये देखो, अब इन्होंने, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से क्यों किया होगा। दो मिनट ना, मुझे एक चीज फिर में समझ में नहीं आती इनकी, कि ये इस तरीके से क्या बताना चाहते हैं और कैसे। यहाँ पे लाइन कट करना भैया, ठीक है, क्योंकि ये नया ही कुछ तो पार्ट है जो इसके अंदर इन्होंने डाल दिया, सेक्शन हो रही है तो इन्होंने इसके अंदर मर्ज कर दिया, तो इसमें मर्ज नहीं हो। सर अभी तक के हमने जितनी भी कंडीशन पढ़ी उसके अंदर क्या क्या कंडीशन थी प्लीज़ एक बार रिवाइज करना। एक तो इनवॉइस इशू होना चाहिए, या उसके बाद इनवॉइस इशू होने के बाद में सामने वाले ने उसके ऊपर का जीएसटी उसके रिकॉर्ड के अंदर रिटर्न फाइल करना है, टाइम बाद में हमने उसको 180 डेज के अंदर पेमेंट। टाइम लिमिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोल रही है? मतलब सर समझा नहीं, आगे पढ़ो। समझ, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इज प्रिस्क्राइब इन द फॉलोइंग मैनर, क्या? फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस पर्टेंस, और
फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर आईटीसी ऑन इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट रिलेटिंग टू इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड बाय एनी टाइम अवेल्ड एनी टाइम टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग रिलीवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर एज ठीक है यहाँ तक की बात हमको सबसे पहले कवर करनी है बोल रही यहाँ तक की पढ़ोगे एक बार प्लीज फिर मैं बताता हूँ एक बार पढ़ना है क्या बोलना है अगर आपको किसी इनका ये बोलना है बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी मतलब सर समझ ये सब उड़ा दो अब इसकी कोई जरूरत तो नहीं लग रही है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल किए मिस्टर ए ने इनवॉइस बता दिया फर्स्ट या 22 पकड़ो 22 इसने इसके रिटर्न के अंदर मतलब कौन से रिटर्न सर मे के रिटर्न के अंदर इसने इसको फाइल कर दिया जीएसटी बता दिया अब बात ऐसी है इसने पे भी कर दिया गवर्नमेंट को और इसने भी अमाउंट पे कर दिया विद इन 182 तो सर अब दिक्कत क्या है सब तो सही है सर उसने जीएसटी भर दिया इनवॉइस दे दिया रिटर्न फाइल कर दिया आपने पेमेंट भी कर दिया अब दिक्कत क्या हुई अब दिक्कत यह है क्या बोलना है कि अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो आपको विदिन आईटीसी अवेल करना है मतलब सर समझा नहीं ना क्या होता है सर फर्क आईटीसी अवेल करने में और आप बोल रहे कि पेमेंट कर दिया सब हो गया फिर दिक्कत आईटीसी अवेल का मतलब ही नहीं समझ में आया आपको है ना बच्चों ध्यान से समझो आपने पेमेंट कर दिया बट आपने GSTR2 इसका GSTR2 सर ये मिस्टर बी का मिस्टर बी क्या काम करता है मिस्टर बी करता है आपने जीएसटी मुझे सेल किया मैंने उस सप्लायर ने सेल कर दिया सप्लाई कर दिया उसने उसके GSTR1 के अंदर बता दिया 3B के थ्रू पेमेंट भी कर दिया अब रिसिपिएंट की बात है रिसिपिएंट के GSTR2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो गया बट आपने उसको अवेल नहीं किया मतलब आपने उसके ऊपर का आईटीसी क्लेम नहीं किया तो आपके पास में समय कितना है उसका क्लेम करने का देखो उसने उसके पोर्टल पे दिखा दिया लेकिन आपको भी आपको क्या करना पड़ता है जैसे उसने उसके पोर्टल पे दिखा दिया तो आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ता है GSTR2 के थ्रू कि सर यस ये परचेस मैंने ही किया है वो बोल रहे हैं ना कि उन्होंने सेल किया मुझको यस 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 ये परचेस मैंने ही किया है उनसे अगर ये आप एक्सेप्टेंस देते हो तभी हम बोलते हैं कि आपको आईटीसी दिया जाएगा अब आप कब तक के वो एक्सेप्टेंस दे सकते हो आप कब तक के वो जीएसटी का आईटीसी अवेल कर सकते हो तो उसका टाइम दिया है इन्होंने फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर मतलब सितंबर का रिटर्न फाइल जब करोगे ड्यू डेट क्या होती है सितंबर की बताना कोई प्लीज अब अगर नहीं याद आ रहा होगा तो सच में आपने चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना उसमें सितंबर की ड्यू डेट होती है नॉर्मल जीएसटी रिटर्न्स की वो होती है 28 अक्टूबर 2022 अगर ये सितंबर 22 होगा तो ठीक है मतलब 20th October 2022 के कौन से 20th October क्या बात कर रहे हैं सर आप जैसा कि ये एग्जांपल चालू था 1st April का देखो 1st April को उसने सब कुछ बता दिया अब उसने बताने के बावजूद भी मैंने आईटीसी क्लेम किया ही नहीं कब तक नहीं किया कब तक मैंने आईटीसी क्लेम कर लेना चाहिए और अगर नहीं करता हूं तो क्या
एक तो इन्होंने बोला कि ये जो इसके ऊपर का अप्रैल मंथ का रिटर्न है, अप्रैल मंथ का आईटीसी था, मई महीने के अंदर मई मंथ में अपने आईटीसी क्लेम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो ये ईयर कब एंड होता है? ये ईयर एंड होता है सर 31 मार्च 2023 को, बराबर है ये 2023। और ये अपने आप ही बन गया सर, हाँ ठीक है वो है ऑटो पे। 31 मार्च 2023 को ईयर एंड होता है ना, तो उसके बाद में सितंबर का जो भी मंथ आता है, मतलब कौन सा सितंबर आएगा सर, सितंबर 2023 के मंथ के रिटर्न के अंदर आपको वो आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। मतलब इसका रिटर्न कब फाइल किया जाता है सर, 31 ना 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 आएगा 31 सर 28 अक्टूबर 2023। मतलब समझ में आ रहा है कि आपको ये आईटीसी मैं ये डेट तक के क्लेम कर सकता हूँ, कब से कब तक का, कब से कब तक क्लेम कर सकता हूँ? अगर 1 अप्रैल 2022 का भी इनवॉइस अगर है, फिर सर अगर 1 अप्रैल के बजाय अगर ये 1 मई का रहता था तो भी डेट तो सेम ही रहती थी ना बच्चों। क्यों? क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद वाला जो सितंबर मंथ आता है कब आता है, सितंबर 2023, और उसका रिटर्न कब फाइल होता है, 20 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर 2023। मतलब एक बात समझ, अगर 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 आपको दिमाग होगा और आप अगर सोच पाते होंगे मेरे जैसा, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर ये फाइनेंशियल ईयर 21 22 के अंदर का कोई भी इनवॉइस अगर आपने क्लेम नहीं किया है, कोई भी इनवॉइस अगर आपने क्लेम नहीं किया है, उसका आईटीसी अवेल नहीं किया है, तो आप ये सितंबर तक के, कौन से सितंबर तक के, मतलब सितंबर के रिटर्न तक के, सितंबर का रिटर्न कब होता है, 28 अक्टूबर तक के आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, 28 अक्टूबर तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ये फाइनल। एक तो ये कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या बोली, सेकंड कंडीशन में बोली इन्होंने, देखो देखो देखो, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज, ठीक है समझा, विचएवर इज अर्लियर सर, समझा नहीं। फाइलिंग एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, फाइलिंग एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर 2023। सर 2023 हमेशा होती है? अरे नहीं बाबा, वो ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, नहीं तो 31 दिसंबर उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है। लेकिन सर फिर अगर 31 दिसंबर ही थी ड्यू डेट, समझो अगर 31 दिसंबर ही ड्यू डेट थी, तो सर फिर यही डेट को आपने क्यों नहीं मान लिया, ये डेट लेने की जरूरत ही क्या थी? भाई माइंड में क्वेश्चन आ सकता है किसी के कि सर 31 दिसंबर तो वैसे भी बाद में की डेट है, आप बोल रहे विच एवर इज अर्लियर, तो वैसे भी 20 अक्टूबर ही आने वाली। नहीं ना बच्चों, बहुत से लोग होते हैं ना जो 20 अक्टूबर से पहले ही अपने एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने तो क्या बोला है कि आप 31 दिसंबर तक के फाइल कीजिए। कोई कोई होता है मेरे जैसा जो विद इन टाइम उसको काम करने की इच्छा होती है, तो वो सितंबर मंथ में ही रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर उसके लिए ड्यू डेट कौन सी रही? फिर उसके लिए ड्यू है कि आप सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ, विच एवर इज अर्लियर, सितंबर मंथ मतलब सितंबर मंथ तक के आपने आईटीसी अवेल कर लेना चाहिए था। समझ में आया क्या? हाउ सर, समझ में आया। अब बात ऐसी है, मैंने किसी से परचेस किया, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज रिमाइंड करके वापस से आगे आ जाए। अब समझो मेरी बात। अब क्या हुआ, मैंने किसी से गुड्स परचेस किए, सर्विसेज परचेस किए, सामने वाले ने वो जीएसटी के रिटर्न में बताया नहीं, वो जीएसटी के रिटर्न में बताया नहीं, और मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। अरे क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आपने जीएसटी के रिटर्न में बता दिया, मतलब मैं रेसिपिएंट, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, अवेल कर लिया, सामने वाले ने बताया ही नहीं, अब वो कब तक बताना चाहिए आपके हिसाब से? देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये क्या बोल रहे हैं, आईटीसी अवेलमेंट की कंडीशन, और आप आईटीसी अवेल तभी कर सकते हो जब ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर इसके अंदर से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी। मतलब इनका ये बोलना है कि अगर किसी पर्सन ने आपको सप्लाई किया, समझना ध्यान से सुनो ये बात आपके एग्जाम में नहीं आने वाली लेकिन आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसी पर्सन ने आपको सप्लाई किया, ईयर था 21 22, ईयर था 21 22, सप्लाई हुआ
उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, इनवॉइस नहीं दिया, या तो इनवॉइस दिया, चलो ठीक है, जान दो, छोड़ो, इनवॉइस दे दिया, बट इसने जीएसटी रिटर्न के अंदर इनवॉइस नहीं बताया। अब इसने इनवॉइस दे दिया, अपने आईटीसी भी क्लेम कर लिया, तो यहां पे भी गवर्नमेंट यही बात बोलती है कि अगर आपको ये आईटीसी अवेल्ड करना है, आपको आईटीसी अगर अवेल्ड करना है, तो ये जो सप्लायर है ना बच्चों, सप्लायर, इसने भी सितंबर 2022 और एन्युअल रिटर्न फाइल करने से पहले, सॉरी 23, और एन्युअल रिटर्न मतलब 31 दिसंबर, एन्युअल रिटर्न फाइल करने से पहले उसके रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, उसको सप्लाई बताना पड़ेगा, तभी आप आईटीसी, अदरवाइज आप आईटीसी। समझ में आ रहा है? यस सर, अब समझ में आ गया। मतलब देखो सर, यहाँ पे सिंपल चीज़ है, अगर आपको आईटीसी अवेल करना है या क्लेम करना है, आप कब तक आईटीसी अवेल कर सकते हो? नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न के पहले, या तो एन्युअल रिटर्न फाइल होने से पहले। आ गया सर। एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, द वर्ड्स वेयर इनवॉइस रिलेटिंग टू सच हैज बीन ओमिटेड, द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज दैट द डेबिट नोट एंड डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस हैव बीन डीलिंक, दैट्स डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस कैन बी रेज इवन आफ्टर 5th सितंबर फॉलोइंग एन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस पार्ट। यहाँ पे आप अगर ये ध्यान से पढ़ो, ITC on invoices pertaining to financial year or debit note है, इसका मतलब क्या समझ? आप समझाओ बस। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो बोलने की, आगे बोलने की कोशिश है, इन्होंने जब बताया था कि आप ITC कब तक क्लेम कर सकते हो, आप ITC कब तक क्लेम कर सकते हो, तो आप ITC 20th सितंबर तक के, सॉरी 20th अक्टूबर तक की क्लेम कर सकते हो, और उसकी डेबिट नोट, उसकी डेबिट नोट, क्या उसकी डेबिट नोट भी आप 20th अक्टूबर, क्या 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 डेबिट नोट क्या होती है सर, पहले तो ये बताओ आप, डेबिट नोट, डेबिट नोट का मीनिंग क्या होता है? जीएसटी के अंदर बता रहा हूँ, डेबिट नोट का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई परचेस कर लिया, किसने भाई, मैंने परचेस किया किसी से, आपसे, आपने मुझे ये कैलकुलेटर सेल किया, ये कैलकुलेटर आपने मुझे सेल किया, ये कैलकुलेटर आपने मुझे सेल किया, आपने इसके ऊपर का जीएसटी मुझे चार्ज करके दे दिया, और इसके साथ साथ में आपने बोला था कि सर ये कैलकुलेटर तो अभी हम आपको दे दे रहे हैं, लेकिन इसका एक कवर, पैकिंग कवर आएगा, वो हम आपको बाद में सेंड कर देंगे, ठीक है? तो मैंने अभी पेमेंट किसका किया, अभी मैंने सिर्फ कैलसी का ही पेमेंट किया, मैं बोला सर जिस दिन आप मुझे इसके साथ का वो जो पैकिंग कवर है वो दे दोगे, उस दिन उसका भी मैं पेमेंट, जो भी आपका चार्जेस होगा मैं आपको पे कर दूंगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मुझे आज कैलकुलेटर दे दिया, अब ये इनवॉइस से रिलेटिंग ही, मतलब मैंने एक्चुअली इनवॉइस तो पूरा बनाया, लेकिन पेमेंट मैंने उतना ही किया, कितना, जितना ये कैलकुलेटर का था, मैंने वो उसके ऊपर का कवर का उसको पेमेंट किया ही नहीं, मैंने बोला जिस दिन आप कवर भेज दोगे मैं पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जिस दिन उसने इनवॉइस बनाया, वो इनवॉइस के अंदर तो उसने क्या सिर्फ कैलकुलेटर की अमाउंट चार्ज करी, वो इसकी अमाउंट चार्ज की क्या? बिल्कुल भी नहीं की थी, नहीं की थी ना, वो जो भी उसका कवरिंग था उसके उसने जीएसटी चार्ज किया नहीं। मैंने बोला था कि जिस दिन आप भेज दोगे एक काम करना, उसी बिल के अंदर एडजस्टमेंट करके मुझे ये कवर का भी जीएसटी लगा देना, बोले ठीक है। मैंने आज इसका आईटीसी क्लेम कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात मुझे, कुछ टाइम के बाद मुझे उसका कवर उसने भेज दिया और मैंने उसको पेमेंट कर दिया। अब सर वो इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट इशू की जाती है, डेबिट नोट मतलब जब भी कभी कभी कोई इनवॉइस के अंदर कुछ कम ज़्यादा गड़बड़ हो गई हो, मतलब मैंने आपको 200 का इनवॉइस देना था, मैंने 100 का दिया, या मैंने इनवॉइस कम इशू कर दिया जो मुझे ज़्यादा करना चाहिए था एज अ सप्लायर, तो फिर क्या होता है, वो जो वैल्यू का आईटीसी है वो हम बाद में डेबिट नोट के थ्रू इशू कर देते हैं। डेबिट नोट मतलब क्या, कि जो भी परचेस के अंदर आपकी कुछ भी अगर कोई डिफिशियंसी रहेगी होंगी तो वो हम डेबिट नोट के थ्रू
इशू कर देंगे। चलो बात समझ में आ गई सर, यहाँ तक की कोई बात में दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ ये थी कि आपने बोला ITC on invoices pertaining to a financial year or debit not relating to invoice pertaining to financial year can be available any time till the due date of filing return of for the month of September of succeeding financial year। ये बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, ये कहना चाहते हैं कि भाई आज अब क्या हुआ, ये सप्लाई जो किया सामने वाले ने, ये अप्रैल 22 में किया इसका कैलकुलेटर का, और उसने मुझे जीएसटी चार्ज कर दिया। ऐसा समझो ये 2000 रुपीज का कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसने मुझे जीएसटी चार्ज करके दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी इनवॉइस से रिलेटेड एक डेबिट नोट इशू हुई मुझे, और ये डेबिट नोट इशू हुई मुझे 2024 के अंदर, क्योंकि दो साल तक के उसके पास में उसका कवर आया ही नहीं, तो उसने दिया ही नहीं, तो मैंने आईटीसी क्लेम किया ही नहीं, तो जिस दिन देगा उस दिन आईटीसी क्लेम करूंगा। अब उसने डेबिट नोट इशू की 2024 के अंदर, अब 2024 के अंदर मैं आईटीसी डेबिट नोट क्लेम, डेबिट नोट मुझे आई, तो क्या सर ये मुझे अवेल करने का टाइम लिमिट क्या है? समझा नहीं ना, क्या बोलना क्या चाहते हो आप? देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये इनवॉइस जो एक्चुअल में इनवॉइस था वो एक्चुअल 2000 रुपीस का अप्रैल 2022 में आ गया, वो 2022 के अंदर मैंने कब तक क्लेम करना चाहिए था उसको? मैंने उसको 31 अक्टूबर 2023 तक के क्लेम कर लेना चाहिए था, या तो एनुअल रिटर्न उसका फाइल होता तब तक के कर लेना चाहिए। अब डेबिट नोट की बात आती है तो उसको अवेल कब तक करूँ? मतलब क्या सर ये 2024 में आया तो 2025 के अक्टूबर मंथ तक के मैं क्लेम कर सकता हूँ क्या? 28 अक्टूबर 2025 तक के? अरे यार ये तो क्वेश्चन मार्क आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब पढ़ो ये क्या बोल, द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट इज दैट डेट डेबिट नोट एंड डेट ऑफ अंडर। अब इन्होंने क्या किया 2020 में वहाँ पे कुछ वर्ड्स ओमिट हो गए थे, द वर्ड्स वेयर इनवॉइस रिलेटिंग टू सच हैज बीन ओमिटेड, द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट इज दैट, और अमेंडमेंट के वजह से इफेक्ट क्या हुआ ये देखो, इज दैट डेट ऑफ डेबिट नोट एंड डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस हैज बीन डीलिंग दस डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट इज इवन सप्टेंबर फॉलोइंग, इट मींस द रेसिपिएंट कैन अवेल आईटीसी टू डेबिट नोट इवन इफ द सप्लाई पर्टेनिंग। मतलब इसका बोलने का मतलब सिंपल चीज था कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर मैं डेबिट नोट इशू करूँ, मतलब मुझे अगर कोई परचेस किया है मैंने और उससे रिलेटेड डेबिट नोट इशू करना है, तो अगर ये वर्ड्स वहाँ पे होते, कौन से वर्ड्स होते सर? Invoice relating to such, मतलब अगर मैंने आज परचेस किया है ये कैलकुलेटर, बराबर ये कैलकुलेटर आज मैंने परचेस किया, ये कैलकुलेटर परचेस किया तो इसका आईटीसी मैंने कब तक के क्लेम करना चाहिए था? इसका आईटीसी मैंने 28 अक्टूबर 2023 तक के क्लेम करना है, और इसके ऊपर की डेबिट नोट भी कब तक आ जानी चाहिए थी एक्चुअल देखा जाए तो? क्योंकि भाई अगर आपको इसका आईटीसी देने की हमने डेट बता दी थी कि यही डेट है, तो फिर इसकी आईटीसी भी आप कब तक के क्लेम कर सकते थे? 31 अक्टूबर 2023 तक ही कर सकते थे ना, क्योंकि आपने पहले ही बता के रखा था ना कि सर आप इसके बाद में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, फिर वो डेबिट नोट हो या कुछ भी हो, ये पहले हुआ करता था कब तक के? फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट होने से पहले। लेकिन जब से फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। क्या अलग अलग कर दिया? उन्होंने सिंपली ये बता दिया कि देखो डेबिट नोट अलग है और इनवॉइस अलग है। मतलब सर समझा नहीं, इसका मतलब यह है, सब छोड़ दो और इतना ही दिमाग में याद रखो कि जो परचेस आपने किया होगा, ये कैलकुलेटर का अगर आपने परचेस किया होगा, इसका आईटीसी आप इसके इनवॉइस के हिसाब से लो, और डेबिट नोट अगर इसी इनवॉइस से रिलेटेड भी अगर डेबिट नोट है तो आप वो कभी भी इशू कर सकते हो, उसकी कोई टाइम लिमिट है नहीं, और उसका भी आईटीसी आप कब तक अवेल कर सकते हो, तो वो जो ईयर के अंदर डेबिट नोट अवेल होंगे या इशू होंगे उसका जो अवेलमेंट करने की डेट है कौन सी, उसके ईयर एंड होने के बाद में जो अक्टूबर में सब जो हम बोलते हैं 20th अक्टूबर या फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो डेट मानी जाए। समझ में आया क्या अभी? यस सर, अब सब समझ में। इट मीन्स द रेसिपिएंट कैन अवेल आईटीसी, मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपको ये कितने येड़े हैं, मतलब इन्होंने ये एग्जांपल के अंदर ही घुसेड़ के रख दिया है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या ही कर रहे हैं क्या पता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, हमको तो समझ में आ ही रहा है ना सर।
इट मीन्स द रेसिपियंट कैन अवेल आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड थ्रू डेबिट नॉट इवन इन द सप्लाई पर्टेंस टू द प्रीवियस कोई भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्यों ना हो हम आईटीसी पूरा के पूरा अवेल करेंगे वो डेबिट नोट के ऊपर का. द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16.4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैड बीन रिवर्स्ड अर्लियर. बट इसका एक्सेप्शन क्या है, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16.4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट दैट हैड बीन रिवर्स्ड. क्या समझा, समझा क्या? मतलब उन्होंने सिंपली ये बोला कि भाई ये रीअवेलमेंट के लिए हम टाइम लिमिट नहीं दे रहे, ये तो हम आपको अवेलमेंट के लिए टाइम लिमिट दे रहे, रीअवेलमेंट का कोई टाइम लिमिट नहीं है, रीअवेलमेंट का टाइम लिमिट नहीं है. मतलब क्या बोल रहे सर आप, इसके पहले हमने आपको अभी बताया था कि अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और बाद में जब भी आप पेमेंट कर दोगे उस दिन रीअवेल कर लोगे. तो हमने ये बोल रहा है कि ये जो टाइम लिमिट हम बता रहे हैं कि 30th 20th अक्टूबर तक के आपने क्लेम कर लेना और ये सारी चीज़ें और एनुअल रिटर्न से पहले कर लेना, ये हम रीअवेलमेंट के लिए नहीं बोल रहे, ये सिर्फ नॉर्मल अवेलमेंट वाली बातें चल रही है. रीअवेलमेंट में तो आप कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी आईटीसी क्लेम कर सकते. ओ समझा, यस सर. इट इज वर्दी टू that the return for the month of September is to be filed by 20th October and annual return of financial chote of the succeeding financial year. It means the recipient can avail ITC of GST paid through debit note even if the supply pertained to previous financial year. Return for the month of September. As per section 39 of CGST Act 2017, every registered taxable person is required to file return in the prescribed form by the 20th of the... अब देखो ये return कब file करना चाहिए ये बता रहे येड़े यहाँ पे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. This return for the month of September is required to be filed by 20th October. The credit thereof shall be availed by 30th September and declare it the return. आपको अपने return के लिए ये बताना है. ITC avail कर लिया है. ये example पढ़ो. For the financial year 1920, the registered taxable person filed the return on 18th October 29. It is provided that after filing of return, the ITC credit, ITC for the supply of goods or service pertaining to the period 1920 cannot be claimed by the registrar. सवाल ही नहीं आता. आप return अगर जल्दी file कर दो, कौन सा जो मैंने बोला था 20th October तो उसकी due date थी. अगर वो आप उसके पहले भी file कर दे, मतलब 15 को कर दे, 16 को करते हो, 17 को करते हो या 18 को करते हो, जब भी file कर दे उस दिन तक के आपने ITC avail कर लेना था. जिस दिन आपने return file कर दिया उसके बाद में तो आपके पास में कोई नहीं, अगर भगवान भी आ जाए तो आप ITC. Yes. Annual return of the succeeding financial year. As per section 44 of CGST Act 2017, every registered taxable person is required to file annual return by 31st December for the following end of the financial year. Thus, for the financial year 1920, the annual return is required to be filed by 31st December 2020 with effect from 1st August 2019, provided that commissioner may, on the recommendation of the council and for reason to be recorded in writing by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered taxable registered persons as may be specified there, provided further that any extension of time limit notified by the commissioner of state of tax or the commissioner of Indian Territory tax shall be deemed to be notified. मतलब क्या बोल रहा है ये कि भाई अगर आपके हमने annual return की due date बढ़ा दी होंगी, मतलब हम अभी तो बोल रहे हैं कि 31st December है, लेकिन अगर commissioner को लगता है कि नहीं यार ये due date बढ़नी चाहिए, जैसे COVID का period है और ये due date बढ़नी चाहिए, तो अगर वो due date जैसी बढ़ जाती है तो आपका availment का time limit भी बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अब एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 आप पढ़ के आएंगे, समझ में आएगा. मैं नहीं पढ़ने वाला ये दोनों भी एग्जाम्पल. सीबीआईसी ठीक है, एंड सम मोर इम्पोर्टेंट चेंजेस ठीक है. अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज आगे के सारे लेक्चर्स अच्छे से करना है. आईटीसी हमको बहुत अच्छे से, समझ में यहाँ तक का पॉइंट आपको पढ़ के आना है. सिर्फ दो ही एग्जाम्पल आपको मैंने होमवर्क में दिए जो आपको पढ़ के आने हैं, मतलब पढ़ के आने. चलो बच्चों ध्यान रखो अपना, पढ़ो. तब मैं पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पे, उसको रिवाइज करते जाओ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे तरफ से तो 100% दे रहा हूँ, बट फिर भी आपको अगर कहीं पे लगता है कि सर आपने इसके अंदर हमको कुछ तो बहुत डिटेल में बताना चाहिए या ये पॉइंट हमको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे पिंग करो. मैं आपको 101% जो भी टॉपिक आपका नहीं होता है अच्छे से या जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता है मेरे बताने के बावजूद भी, मैं आपको समझा. ठीक है बच्चों, चलो ध्यान रखो अपना. बाय. Take care. Good night.